गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें, क्योंकि आजकल हर तरफ यही हालात ख़राब हैं। कोरोना की वजह से हर बंदा, हर शख्स परेशान है। तो अगर किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला आपसे उस प्रॉब्लम को दूर कर दे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग ड्रिंक से। आज मैं आपसे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक शेयर करूंगी। मुझे इस ड्रिंक को यूज़ किए हुए आई थिंक 3 मंथ या इससे अबव हो चुका है, तो ये वेट लूज़ में बहुत हेल्पफुल होता है। एक गिलास नीम गर्म पानी में मैंने एक चाय का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है, उसमें ऐड किया है और इसको मिक्स करके ये मैं खाली पेट पी लूँगी। यही ड्रिंक मेरी रात सोने से पहले भी होती है। सेम एक गिलास पानी नीम गर्म और उसमें एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जाएगा। तो चलें जी, अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं। आज नाश्ते में बनेगा चीज़ ऑमलेट, जो कि बच्चों को भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो आज सोचा आज इनको कुछ थोड़ा स्पेशल नाश्ता दिया जाए। तो अभी मैं चीज़ ऑमलेट के लिए जो चीज़ें ले रही हूँ उसमें मशरूम्स हैं, टमाटर, प्याज और ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं, क्योंकि एक बंदे के ही नाश्ता बन रहा है, तो फिर ये उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा एग यूज़ कर लें और ज़्यादा इसमें ये मटेरियल वगैरह सारा डाल लें, जितना भी आपने जितने बंदों के लिए नाश्ता बनाना है। तो ये मैंने एग डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसमें अभी नमक जाएगा और काली मिर्च जाएगी, बस। इसके अलावा मैं इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ताकि ये सारी चीज़ों में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएँ। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है थोड़ा सा और उसके अंदर ये मैंने ऐड कर दिया है, और फ्लेम हम कम ही रखेंगे ताकि ये चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है ये मेल्ट हो जाए अच्छे से। और ये एक साइड से पक चुका है, इसकी साइड चेंज कर दी है मैंने ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से पक जाए। फ्लेम लो ही रखा हुआ है और साथ मैं बना रही हूँ पराठे, देसी घी यूज़ कर रही हूँ और बहुत यम्मी सा ये नाश्ता रेडी होने वाला है और मेरे हस्बैंड एंजॉय करेंगे इस नाश्ते को। तो जी, नाश्ता करने के बाद कुछ ग्रोसरी करनी थी तो हस्बैंड से बोला कि चलें स्टोर चलते हैं, कुछ ग्रोसरी करते हैं। तो अभी हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं स्टोर में, तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकी, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड थी। तो इसलिए मैं घर आके वापस आपको शो कराऊंगी कि मैंने क्या ग्रोसरी की है। तो चलें चलते हैं स्टोर में और फिर वापस आके आपको दिखाते हैं ग्रोसरी। तो जी, ये मैंने लिया पियर्स लिए हैं मैंने, ये बनाना लिए हैं कुछ, क्योंकि बनाना कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, तो इन बच्चों को डेली लाजमी देती हूँ। और ऑरेंज लिए हैं और ये ग्रेप्स लिए हैं और ये पालक मैंने लिए है। आज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पालक गोश्त खाने की, तो फिर आज मैंने यही डिसाइड किया कि डिनर में मैं पालक गोश्त बनाऊँगी। और ये कुछ लिए हैं नट्स, कुकीज़ लिए हैं मैंने, ये मैंगोज़ लिए हैं और सब्ज़ धनिया लिया है और पुदीना लिया है। ये चीज़ें डेली की यूज़ की हैं, तो ये फिर हर 2-4 दिन बाद लाजमी जो है वो लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने चना दाल लिया, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मैं शामी कबाब बनाऊँगी और साथ ये रेड क्रश चिलीज़ हैं, ये भी मेरी फिनिश थी, तो फिर मैंने सोचा ये भी ले ली जाए, क्योंकि अक्सर ये ऑमलेट वगैरह में और हांडी में थोड़ी बहुत मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये 2 kg मैंने मटन लिया है, पाकिस्तानी मटन। मैं बस पाकिस्तानी मटन ही यूज़ करती हूँ, मुझे इंडिया और ये ब्राज़ील और इधर उधर के ये मुझे पसंद नहीं है, असल में दिल ही नहीं मानता वो चीज़ें खाने को। तो फिर बस पाकिस्तानी मटन लिया 2 kg और ये चिकन ब्रेस्ट लिया है शामी कबाब के लिए।
तो ये थी जी हमारी छोटी सी ग्रोसरी। और इसके बाद मैंने मीट को क्लीन किया, स्टेन कर लिया उसको अच्छे से, और जो मैंने पालक के अंदर गोश्त डाल के उसको पकाना था वो गोश्त मैंने अलग कर लिया है। और उसमें अभी ये मैं 2 कप पानी डाला है, 1 छोटी प्याज डाली है और 3 टमाटर डाल के और स्पाइसेस वगैरह डाल के, इसमें अदरक अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको प्रेशर पे रख दिया है। और 12 मिनट के बाद इसका प्रेशर मैं खोलूँगी तो देखें ये इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है। तो अभी मज़ीद जो इसमें पानी है ये हमें ड्राई करना है और ऑयल ऐड कर देना है। और इसको मैं इतना पकाऊँगी कि इसका जो ऑयल है ये सरफेस पे आ जाए और ये सारा पानी एवेपोरेट हो जाए। इसमें ये थोड़ी सी मैं रेड जो क्रश चिली है ये मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं दूसरी जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, या काली मिर्च डाल देती हूँ साथ और या फिर जो है ना ग्रीन मिर्च डाल देती हूँ ताकि वो बैलेंस हो जाए, मिर्च का जो एक हमें रिक्वायरमेंट होती है वो बैलेंस हो जाए। मैं डायरेक्ट रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करती, थोड़ा सा कलर देने के यूज़ करती हूँ और उसके अलावा अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत हो तो फिर काली मिर्च डालती हूँ। और ये जहाँ मैंने डाल दिया अदरक का पेस्ट, क्योंकि भुनने के टाइम ना अदरक का पेस्ट जब डाला जाता है तो उसकी खुशबू खाने की बहुत अच्छी होती है, और मैं ज़्यादातर गोश्त जो है वो बाकी सब तो चीज़ें मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ गलने के टाइम पे, लेकिन जब अदरक तब डालती हूँ जब मैं गोश्त को भूनती हूँ सही करके। और ये जो मैंने पालक लाई थी वो मैंने काट ली है, अच्छे से धो लिया और उसको स्टेन कर लिया, और ये अभी मैं इसमें डाल के इसके जो इसका पानी है उसी में ही पकेगी, एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालना है इसमें। तो देखें इसका इतना ज़्यादा पानी निकला है कि ये अभी इसी में पकेगी, हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब मैं कवर कर दूंगी ताकि ये इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से गल भी जाए। तो देखें ये अभी रेडी है, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल अलग हो चुका है, तो अभी ये रेडी हो चुकी है। और इसमें अभी मैं डालूंगी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक, ये तीनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी और फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसके ऊपर छिड़कूंगी। बस ये फिनिश हो गया है, इसकी ये रेसिपी आपने देखी है आज। और अभी इसके साथ मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बस मैं खुद घर में ही बनाती हूँ, बस दफ़ा जब तबीयत वगैरह सेट ना हो तो फिर तब मैं बाहर से मंगवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद ही बनाती हूँ घर में। और ये देखें फाइनल लुक इसकी, तो खाना अभी रेडी हो चुका है, बस डिनर की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर तक डिनर करेंगे हम, ये रोटियां बन रही हैं और हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि चलें सब जो है अभी साथ बैठते हैं और डिनर करते हैं। तो देखें डिनर रेडी हो गया है, और अभी इसी कुकर में मैंने जो 2 कप दाल भिगोई थी उसको मैंने ऐड किया है, और 2 कप ही मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये सारा पानी हमने ड्राई करना है, तो इतना ही डालें कि वो उसमें गल भी जाए और पानी ड्राई भी हो जाए। और ये जो चिकन ब्रेस्ट मैं लाई थी 800 ग्राम्स के करीब है शायद, तो ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और उसको मैंने कट नहीं किया, अच्छे से वाश करके डायरेक्ट ही जो पीसीस थे वही ऐड कर दिए। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, अदरक और लहसुन लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैं अपने मसाले नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं शामी कबाब मसाला यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं वो इसमें, यानी ये रेडीमेड है तो मैं बस ये यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी ये सारे मसाले ये जो भी डालना था इसमें डाल दिया, और 15 मिनट के लिए मैंने इसका वेट लगाया है, और फ्लेम मैंने कम ही रखा है, बहुत हाई नहीं रखा क्योंकि पानी इसमें कम था तो इसके जलने के चांसेस होते हैं। तो 15 मिनट तक इसकी अच्छे से ये रेशे लैदा हो रहे हैं चिकन के, देखें आप, और दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल गई है। इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, और अभी देखें इसको ये इसका
मिक्सचर तैयार। तो अभी इसमें मैंने जो ऐड की थी सब्ज़ धनिया और पुदीना, उसको मैंने चॉपर में डाल के इसके साथ ही ऐड किया था। तो अभी कुछ मसाले में वो है और कुछ में नहीं है, तो इसको मैं अच्छे से हाथ धो के तो इसको मिक्सअप करूँगी ताकि वो सारा एक यकजान हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया है, और आपको कई जगह से ये ग्रीन नज़र आ रहा होगा और कहीं से ये सिंपल नज़र आ रहा होगा। वो ग्रीन इसलिए नज़र आ रहा है कि चॉपर में मैंने डाल के उसको चॉप किया था, तो वो जो मीट के साथ और दाल के साथ वो जो मिक्स था तो वो ग्रीन है, और बाकी जो नहीं था वो सिंपल कलर का है। तो वो फिर इस वजह से उसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि सब मिल जाए आपस में। यहाँ पे अभी ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं शामी कबाब की। थिकनेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से रखें, मुझे थोड़े थिक पसंद हैं तो फिर मैंने थिकनेस उस हिसाब से रखी है, और साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं इसके, बड़े छोटे जो भी रखने हो। इसी तरह ये मैंने सारे जो है ना इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। आप साथ साथ हाथ पे ऑयल लगाते जाएं ताकि ये मसाला इसका चिपके नहीं, और साथ साथ टिक्कियाँ बनाते जाएं। और इसमें मैंने एग वगैरह ऐड नहीं किया है, जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो एग में डिप करके और शैलो फ्राई कर लूँगी। कुछ लोग इसके अंदर ही एग डाल देते हैं तो फिर वो जो है ना उसमें उसको डायरेक्ट फ्राई कर लेते हैं, एग नहीं लगाने की ज़रूरत होती। तो मैंने नहीं ऐड किया है, तो इसलिए जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो एग में पहले इसको डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। ये इसमें मैंने एल्युमिनियम फॉयल इसलिए रखा है कि ये चिपक ना जाए आपस में, तो जब मैं निकालूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो आसानी से ये इसकी वजह से निकल आए। तो ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं अभी, सब एक साइज़ की बना ली हैं टिक्कियाँ मैंने, और आई थिंक ये 35 टिक्कियाँ बनी हैं या इससे कुछ कम बनी होंगी। लेकिन माशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, मैंने एक ट्राई किया था और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।